में, स्टेप प्रॉब्लम में। सो काफ़ी लोगों को जब भी जो इनिशियल फेज में ये लगता है कि गायनोकोमेस्टिया का जो प्रॉब्लम है बहुत ही रेयर है, ये शायद उन्हीं के साथ हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है। सो ये जो है उनको दिमाग में ऐसा ज़रूर आता है इनिशियली कि ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है और शायद इसका ट्रीटमेंट नहीं है। सो स्टार्ट जो है यहाँ से होता है जिसके अंदर उनको लगता है कि बेसिकली ये कुछ ऐसी डिजीज़ है, ऐसी बीमारी है कि उनको नहीं है और कुछ यूनिक उनको हो गया है, शायद उन्होंने कुछ ध्यान नहीं रखा है या क्या हो गया है बेसिकली। सो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है इनिशियली जब भी किसी को ऐसा ये फेस इनिशियली जब फेस करते हैं। तो फर्स्ट जो है ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। सो ये अराउंड 39-60% ऑफ मेल में दिखती है। 40% ऑफ मेल हैव दिस प्रॉब्लम इन देयर लाइफ एंड मोस्टली 70% 60-70% इट इज़ बायलेटरल एंड अराउंड 20-30% इज़ यूनिलेटरल। सो ये कॉमन है। सो ये तीन फेज में पाई जाती है, न्यूनेट्स जब जो है न्यू बोन्स रहते हैं लेस देन वन ईयर एज, देन प्यूबर्टल एज एंड देन ओल्ड एज, बेसिकली अबव 50, सो वन ईयर प्यूबर्टी mostly 12-14 years of age and after 50 years of age. So इन तीनों को basically जो है pubertal, neonate, pubertal and senile gynecomastia बोला जाता है। So ये जो है वो कम बहुत it is not rare, it is the most common chest disorder of male. So males के अंदर बहुत common है। So first जो है ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ मुझे ही हुई है और किसी को ऐसा नहीं हुआ है। एंड सेकंड, ये जो प्रॉब्लम है दिस इज़ ए ट्रीटेबल, इसको ट्रीट किया जा सकता है एंड ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो इसका डेफिनेटिव परमानेंट सॉल्यूशन है, वन टाइम सॉल्यूशन है। सो इनिशियली अप टिल 12-14 ईयर्स ऑफ एज में प्यूबर्टल में मोस्ट कॉमनेस्ट रहती है, जिसके अंदर जो है ड्यू टू दो हार्मोन रहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस एंड फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। सो ये दोनों का जो है नॉर्मली बैलेंस रहता है। अब ये बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है उसकी वजह से ये गायनेकोमास्टिया होता है। सो वेलकम एवरीवन, बाजीराव। सो आई एम प्रशांत फ्रॉम डिजायर क्लिनिक, वी हैव सेंटर एट पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद एंड आई एम डूइंग दिस लाइव सेशन वेयर विल बी डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉस्मेटिक सर्जरी एंड सो यू आर फ्री टू आस्क एनी रिलेवेंट क्वेश्चन। सो वेलकम वंस अगेन एवरीवन। सो प्लीज राइट योर क्वेश्चन सो दैट वी कैन स्टार्ट, आई कैन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है सो या तो जो है वो कम हो जाए या उसका जो है बेसिकली डिग्रेडेशन बढ़ जाए बेसिकली, और या फिर एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाए या उसका बेसिकली ज़्यादा एक्ट करे। सो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स या एंड्रोजन रिसेप्टर अगर डिफेक्टिव हैं जिसमें जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है लेकिन रिसेप्टर ही डिफेक्टिव है सो उसकी वजह से भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। सो अगर इंक्रीज सिक्रीशन, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज रिसेप्टर्स, इंक्रीज सेंसिटिविटी, सो दैट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, इट इज डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। सो इसके लिए कोई दवाई नहीं आती है। सो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन अगर आप बढ़ाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन जाके जो है बदल जाता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रैडियोल। एस्ट्रैडियोल इज ब्रेस्ट ग्रोथ हार्मोन, सो ब्रेस्ट की ग्रोथ को बहुत बढ़ाता है एंड मेन रीजन जो है गायनेकोमेस्टिया का एस्ट्रोजन है बेसिकली। सो एस्ट्रोजन क्या करेगा जो है
फीमेल लाइक डेवलपमेंट जो रहती है ब्रेस्ट के अंदर वो करना स्टार्ट कर देता है। सो टेस्टोस्टेरोन का जो अगर हाइपोगोनाडिज्म में गायनेकोमेस्टिया अगर हम टेस्टोस्टेरोन देंगे तो जो है वो इफेक्ट वो गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट के लिए इनइफेक्टिव है। आपका सर्जरी कब हुआ था? सेकंड आप मुझे पिक्चर सेंड करिए और बिफोर पिक्चर सेंड करिए, करंट पिक्चर सेंड करिए, मैं चेक करता हूँ कि पफिनेस है या नहीं है। सो नॉर्मल निप्पल आफ्टर सर्जरी बहुत लोगों को पफिनेस लगता है एंड वो नॉर्मल होता है। सो बहुत लोगों को जो बॉडी इमेज है आफ्टर सर्जरी वो डिफरेंट लगती है, तो उनको बेसिकली कुछ अलग से दिमाग में रहता है जो कि अचीव नहीं हो सकता है। तो आप मुझे पिक्चर सेंड करिए, उसके बाद जो है मैं चेक करूंगा और इवेल्युएट करूंगा। सो आपको बिफोर भी सेंड करना है, करंट भी सेंड करना है, तभी हम रियल कंपैरिजन कर पाएंगे, तभी हम उसको असेस कर पाएंगे। सो हेलो बाजीराव, प्रीति, बीमा दे, न्यू टैलेंट सिंगिंग, विपिन, जे एम जे बी, सो वेलकम एवरीवन। लाइपोमा देखिए जो कॉज से रिलेटेड है उसका सिंपल है, आपको पिक्चर्स डिटेल सेंड करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, मैं दोबारा ऐसे डाल देता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में नंबर ऑलवेज दीज आर मेंशन, सो आपको सिर्फ उन नंबर पे अपनी डिटेल सेंड करनी है, कितने लाइपोमास है, क्या आपका चेस्ट का पिक्चर्स, लाइपोमा का पिक्चर्स, और फॉलोअप के लिए भी जो है आपको अपनी पिक्चर सेंड करनी पड़ेगी बिफोर और करंट। सो आपको आपके पास जो है ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, हमेशा जब भी आप सर्जरी कराएं कहीं से भी कराएं सो अपनी पिक्चर्स को आप डिलीट मत करिए बिफोर सर्जरी की, एंड रेगुलरली जो है अपनी पिक्चर्स को आप लेते रहिए और स्टोर करिए। बहुत लोग जो है उसको डिलीट कर देते हैं, सो उसका भी फायदा नहीं। सो आपको अपनी पिक्चर्स हैं, चार पांच पिक्चर्स हैं आप इतनी स्टोर करते हो, तो अपनी पिक्चर्स आप फ्रंट की और बोथ साइड की आप प्रॉपर पिक्चर्स को लेके रखिए। आवाज कम है? आवाज तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी नॉर्मल, किसी को कंप्लेंट नहीं है। सो अपनी पिक्चर्स बिफोर सर्जरी आप जरूर लेके रखिए अपने मोबाइल पे, एंड वो असेसमेंट के लिए बहुत हैंडी रहती है। सो कभी भी आप असेसमेंट किए जाते हैं या खुद भी चेक करते हैं, सो कहीं से भी सर्जरी कराते हैं, तो आपके पास बिफोर सर्जरी का पिक्चर होना जरूरी है। सो कॉस्ट के लिए जिसको भी कॉस्ट जाननी है तो वो इन नंबर्स पे अपनी डिटेल्स पिक्चर सेंड करे, देन तभी मैं कॉस्ट बताऊंगा, चाहे आपको कहने को उससे कम है ज़्यादा है, सो उससे मैटर नहीं करता है। तो आपकी जब तक करेक्ट असेसमेंट नहीं पता लगेगी, पिक्चर्स से एक आइडिया लगता है तभी पता चलेगा। सी एक्सपेंसिव है या चीप है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंड वो आपको बेसिकली ये बहुत सब्जेक्टिव है, एंड किसी को जो है हर चीज़ कॉस्टली लगती है, किसी को नॉर्मल लगती है, लेकिन कॉस्ट हमारी अफोर्डेबल है। परफेक्ट शेप विल टेक एटलीस्ट 3 to 6 months। वीरेंद्र सिंह, स्किन जो है रिट्रैक्ट हो जाती है, सो आज भी एक ऑलमोस्ट 40 डेज के बाद फॉलोअप के लिए पेशेंट आए थे एंड उनका स्किन इतने अच्छे से रिट्रैक्ट हो गया है। सो वो उसका वीडियो जल्दी आएगा। सो 40 डेज में मैसिव गायनोकोमेस्टिया ग्रेड 4, इट हैज रिट्रैक्टेड वेल, सो स्किन लूज नहीं रहती है, स्किन रिट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए बेसिकली, तो स्किन अपनी वापस शेप में आ जाती है, रिट्रैक्ट हो जाती है, पर्टिकुलरली यंग एज हो, स्किन क्वालिटी ठीक हो, और बेसिकली उसको टाइम दीजिए। यस, यू आर मोस्ट वेलकम टू मीट अस। यहाँ पे देखिए, आपको अगर ग्रेड वाइज कॉस्ट जानने के लिए वीडियो देख रहे हैं या लाइव सेशन में आए हैं तो यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगी, एंड वो आप गलत जगह पे आ गए हैं। सो कॉस्ट के लिए ये सेशन नहीं है, ना ही यहाँ पे मैं कोई भी ग्रेड वाइज या कोई चीज़ की कॉस्ट बताने वाला हूँ। सो ये मैं क्लियरली सबको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉस्ट या कोई चीज़ सामान या कोई दुकान लगाने नहीं आया हूँ।
यस श्योर यू कैन हैव ऑल द मल्टीविटामिन टेबलेट्स एंड अश्वगंधा. यस आई थिंक इट विल हेल्प यू इन रिकवरी. एंड आपका मैंने पिक्चर्स असेस कर लिया है, बहुत अच्छे से स्किन रिट्रैक्ट हो रही है, थोड़ा स्टिफनेस हार्डनेस रहेगा इनिशियली, धीरे धीरे वो बेटर हो जाएगी. सो आपको एटलीस्ट 6 months to 9 months लगेगा फुल रिजल्ट आने में. और आप केयर, यू आर टेकिंग गुड केयर, टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट एंड एक्सरसाइज एंड एक्टिवली आफ्टर सर्जरी ऑल्सो यू आर वेरी एक्टिव. सो आई होप योर स्किन विल रिट्रैक्ट वेरी वेल एंड यू विल गेट ए डिसेंट गुड रिजल्ट. यूजली टाइम इज 1 to 1.5 hour इज द मिनिमम टाइम. सो आप जब भी देखोगे लाइव वीडियोज देख लोगे सो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा एंड कितना टाइम लगता है. यस यूजली मुझे जो है वो 1 to 1.5 hour लगता है ऑन एवरेज. एंड स्टे के लिए बेसिकली इट इज़ अ डे केयर सर्जरी. अगर आपको स्टे करना है उसके बाद तो इट इज़ चार्जेबल, आप स्टे कर सकते हैं ओवरनाइट, वन डे स्टे कर सकते हैं. सो जो भी हम कॉस्ट बताते हैं दैट इज़ फॉर डे केयर. अगर किसी को स्टे करना है आउट ऑफ द स्टेट है सो दे कैन स्टे बाय पेइंग द अमाउंट, सो विच वी विल टेल यू बिफोर द सर्जरी. यस मिस्टर स्वामी एज मीन्स आई थिंक आपने जो है कितने 30 years ऐसा कुछ था आपका, 30 years तक वेट किया था आपने एंड फाइनली यू गॉट रेड ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड आई होप दैट यू आर फीलिंग वेरी फाइन एंड नाउ आई थिंक इट इज़ लाइक ए न्यू शेप टू यू एंड ट्रांसफॉर्मेशन टाइप ऑफ चेंज इन योर लाइफ. So those who are coming from out of the state, so please plan accordingly, don't rush. आप जल्दबाजी में जाने का मत सोचिए. देखिए सर्जरी का जो टाइम दिया जाता है जरूरी नहीं है, जैसे अगर हमने 11 o'clock दिया तो वो 11 o'clock शार्प स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है. मूवी थिएटर नहीं है कि वहाँ पे 11 o'clock है तो 11 o'clock स्टार्ट हो जाएगी. बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कभी कभी जो फर्स्ट पेशेंट की डिले की वजह से वो डिले हो सकता है कि वो टाइम पे नहीं आया, दूर से आ रहे हो, ट्रेन बस ट्रैफिक है उसकी वजह से नहीं है, और कभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई, कभी जो है पेमेंट नहीं हुई है, कभी कार्ड ब्लॉक हो गया है, और कभी कभी जो है एनेस्थेटिस्ट है वो टाइम पे नहीं आया. सो बहुत सारे, अगर फर्स्ट पेशेंट डिले हो जाता है तो बाकी सब डिले होते चले जाते हैं. तो जब भी हम देते हैं तो आपको पहले बुलाते हैं ताकि जो है बिफोर सर्जरी आपका जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो जाएं. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टाइम दिया है वो एग्जैक्टली आपको उस टाइम पे नहीं होगी, क्योंकि किसी की सर्जरी में टाइम कम लगता है, कभी कोई लेट आता है, कभी कोई जो है पेमेंट रुक जाता है, किसी का कार्ड ब्लॉक हो जाता है, सो उसकी वजह से डिले हो सकता है. किसी की सर्जरी में भी डिले हो जाता है, किसी को जरूरी नहीं है, मैंने बोला है 1 to 1.5 hour, सो किसी को सर्जरी में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है. सो ये जो है ये ऐसा नहीं है, मैथ नहीं है कि यहाँ पे जो है 2 + 2 = 4. आप उनकी एज का अंदाजा लगा सकते हो. देखिए एज बताने की जरूरत नहीं है, 35 years से उनको था एंड आपको उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनको कितने टाइम से ये प्रॉब्लम थी. एंड आई थिंक आप जो है काफ़ी सालों से जो है ये वीडियोस वगैरह देख रहे थे और इससे नॉलेज और रिसर्च कर रहे थे प्रॉपरली. सो आप देखेंगे एवरीथिंग, अगर आप सर्च करेंगे, देखिए जो सर्च इंजन है गूगल पे, गूगल पे एड्स दिखाएंगे, यूट्यूब पे यूट्यूब एड्स दिखाएंगे, सेकंड थर्ड जो है बेसिकली आप ऑनलाइन कंसल्ट की जो जितनी भी ऐप है उसमें जितनी भी आप पहले वाली देखोगे, चाहे वो जस्ट डायल की हो, चाहे वो प्रैक्टो की हो, चाहे कोई भी हो बेसिकली, सो लाइब्रेट की हो, जितनी की भी देखोगे जो फर्स्ट फ्यू कैटेगरीज हैं दे आर बेस्ड ऑन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन. अगर मुझे फर्स्ट रैंकिंग सपोज करो प्रैक्टो में लानी है तो मुझे उनका सब्सक्रिप्शन या एनुअल
फीस जो है वो देनी पड़ेगी, तो मेरी रैंकिंग बढ़ जाएगी, मेरे रिव्यूज़ बढ़ जाएंगे। सो वहाँ पर जो है आपको ट्रू पिक्चर्स या ट्रू रिव्यूज़ नहीं मिलते हैं। आपको जब भी चूज़ करना है तो आपको प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर रिजल्ट, प्रॉपर सर्जरी, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, तभी आपको रियलिटी में पता चलेगा। आपने कोई भी, जैसे सपोज करो आपने प्रैक्टो में देखा, सो आपने देखा कि उनमें रिव्यूज अच्छे हैं, टॉप वाले हैं, और प्रैक्टो में दूसरी बात है कि आप देखोगे तो सभी के एक्सपीरियंस जो है वो 10 ईयर्स, 20 ईयर्स इस तरह से दिए जाते हैं बेसिकली। नहीं, अगर 18 ईयर्स के हो गए हैं और आपको गायनेकोमेस्टी है, इट इज मोर देन 1 ईयर। देखिए मैंने बताया इररिवर्सिबल, यानी कि चेंज वापस नहीं आ सकते हैं। फाइब्रोसिस का मतलब है वहाँ पर बेसिकली, हिंदी में मुझे नहीं समझ में आएगा कैसे बताऊँ, लेकिन फाइब्रोसिस हो जाता है, इररिवर्सिबल हो जाते हैं वो चेंजेस, दोबारा रिवर्ट बैक नहीं होंगे। नहीं, खट्टा खाने से और ब्रेस्ट के साइज से कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो मेल के अंदर ना फीमेल के अंदर। दिस इज ए मिथ बेसिकली। सो देखिए, इतना आसान नहीं है कि खट्टा खाने से जो है बेसिकली जो है ब्रेस्ट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो आप पिक्चर सेंड करिए। देखिए मैंने बताया जिसको फॉलोअप के लिए आप कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने नंबर्स यहाँ पे शेयर कर देता हूँ दोबारा से, एंड आपको जो है पिक्चर सेंड करिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो बिफोर सर्जरी के भी हैं तो वो भी करिए, और जो है आप पिक्चर्स बिफोर सर्जरी वाले भी सेंड करिए तो मुझे रियल कंपेरिजन में पता चलेगा। कॉस्ट के लिए ये नंबर्स हैं, अपॉइंटमेंट के लिए UP 85 रजिस्ट्रेशन, आपका नाम क्या है वो बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। सो UP 85 रजिस्ट्रेशन दिल्ली के लिए, अभी मैं दिल्ली में हूँ 3 डेज मोर। एंड कॉस्ट के लिए आपको पिक्चर्स व्हाट्सएप करिए, फ्रंट और बोथ साइड की पिक्चर्स, एज वेट हाइट बताइए तो हम आपको कॉस्ट बता देंगे। अभी आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तो इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर है तो आप अपने फिजिशियन से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते होंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा। आपको कुछ वर्कआउट कराना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टिगेशंस करनी होगी, जैसे कि ECG है और आपकी कार्डियोलॉजिस्ट से फिटनेस है, और 2D को है, स्ट्रेस टेस्ट है। सो वो करने के बाद हम चेक करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे, एनेस्थेटिस्ट से कंसल्ट करेंगे, उनको जो है बताएंगे और इवेल्यूएट करेंगे, और बाकी आपका रूटीन प्रॉपर चेक करने के बाद, असेस करने के बाद आपको सर्जरी के लिए बताएंगे। ओके अंकित, अमन, कॉस्ट के लिए आप पिक्चर सेंड करिए, श्री क्लासेस, आपका नाम क्या है वो बताइए। सो सदानंद मंडल जी जो है, अगर आपको ये सब में जिसको भी मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे इन्होंने बताया वेट बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर है, सो ऐसा नहीं कि सर्जरी नहीं हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली उनको अलग तरह से प्रिपेयर किया जाता है, उनको अलग तरह से इवेल्युएट किया जाएगा, असेस किया जाएगा, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद ही हम सर्जरी करते हैं। हिमेटोमा जो है लेस देन 1% इज द इंसिडेंस। पोस्ट सर्जरी नॉर्मल होने में डाउन टाइम 2-3 डेज है, एंड आपका जो है पेनिस एनलार्जमेंट के लिए फैट ट्रांसफर करते हैं। सो अंकित, अगर आपका बजट है, आपको प्रिपेयर करना हो पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली,
और कितना वेट करना पड़ता है? सो यूजली मैं दिल्ली हर वीक आता रहता हूँ, सो यहाँ पे 4-5 डेज में मिनिमम स्टे करता हूँ, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गर्थ हम बढ़ा सकते हैं और लेंथ बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग फैट ट्रांसफर। इट इज़ वेरी सिंपल एंड रिफाइंड प्रोसीजर एंड इट गिव्स एक्सलेंट रिजल्ट। सो काफ़ी लोग जो वो मिस्टर बीमादीन जो है वो कभी डिसीजन नहीं लेंगे, वो सिर्फ आएंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर जो है वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, और वो सिर्फ एक दो क्वेश्चंस इस तरह से पूछते हैं। यस हम FTM भी सर्जरी करते हैं। ऑलरेडी देखिए अभी वीडियोस हमने न्यू चैनल पे डाले हुए हैं, सो आप वो देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन सेशन अच्छे लगे, थोड़ा हेल्प हुआ, सो वेरी ग्लैड टू नो दैट। ओके मैं चेक कर लेता हूँ प्रकाश, आई एंड होप आपको मोस्ट ऑफ द रिप्लाईज और क्वेरीज रिजॉल्व हो गए होंगे आपने जो पिक्चर सेंड करी है। सो नेहा डिगा क्या पूछना चाहते हैं FTM सर्जरी के बारे में वो पूछिए, और कुछ और है तो आप नंबर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आपने 50 ईयर्स में कराई, काफ़ी लेट के बाद, आई थिंक 35 ईयर्स से सफ़र कर रहे थे, बहुत मुश्किल होता है इस स्टेज में जो है डिसीजन लेना, इस एज में 35 ईयर्स से सहना और फिर जो है सर्जरी कराना। इट वॉज़ ए वेरी वेरी टफ डिसीजन, इट इज़ नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी कॉमन टू टेक, एंड सो यस इट इज़ द बेस्ट एंड आई होप दैट यू हैव रिकवर्ड वेल एंड डूइंग गुड। सर्जरी के बाद ग्लैंड छूट हो गया है, छूट गया है तो कैसे कैसे पता है आपको ग्लैंड छूटा है या नहीं छूटा, वो मुझे बताइए। देखिए कट कोई भी सर्जरी करेंगे कहीं ना कहीं मार्क्स विजिबल रहते हैं, लेकिन ये बहुत शार्प और फाइन कट रहते हैं, क्लीन कट रहते हैं, सो ये ज़्यादा स्कार विजिबल नहीं रहता है एंड एक फाइन लाइन रहती है, सो हील प्रॉपरली आ जाती है। सो मार्क्स बहुत ज़्यादा विजिबल इन सर्जरीज में नहीं रहते हैं। सो मार्क्स से आप मत डरिए, स्कार से मत डरिए, ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा निशान आएगा। जो कट है हम वो एरुलर इन्फीरियर मतलब लोअर पार्ट ऑफ द एरुला में देते हैं, सो वो हील होने के बाद बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। आप वीडियोस देखिए, असेस करिए, आपको पता चल जाएगा। डेफिनेटली हार्डनेस रहता है, स्टिफनेस रहता है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही जाएगा, और उसको टाइम दीजिए, मसाज करिए, कंप्रेशन गारमेंट पहनिए, एक्सरसाइज करिए, ये तीन चीज़ें करेंगे तो वो बेटर और बेटर टाइम के साथ बेटर होता चला जाएगा। तो आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लीजिए। सो अनदर 5-6 मिनट्स एंड देन विल एंड दिस लाइव सेशन, एंड आई होप कि आप जो है डिज़ायर प्लास्टिक सर्जरी चैनल देख रहे हैं, वहाँ पे वीडियोस हम रेगुलरली डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, न्यू कंटेंट भी डाल रहे हैं, आपको लाइव सर्जरीज भी दिख रही हैं, एंड आई होप यू आर लाइकिंग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग न्यू चैनल। सो आपने काफ़ी सपोर्ट किया है एंड इट इज़ वेरी वेरी ग्रोइंग फास्ट, एंड
So thank you everyone for supporting new channel as well as this, and I'm very very thankful for showing so much trust and belief on me. स्कार नहीं दिखते, वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया, सो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के, देखिए 3 से 6 मंथ्स के बाद कितना विजिबल रहता है. ओके सो 18th, यस आई एम कमिंग ऑन 18th एट बेंगलोर. सो देखिए आपको जो है जीआईडी सर्टिफिकेट रहता है, उसमें साइकेट्रिस्ट का इवेल्युएशन के बाद आपको क्लियरेंस देते हैं, सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद ही आपको सर्जरी के लिए करना चाहिए. सो ये प्रोसेस है बेसिकली, एंड आपको वो फॉलो करना चाहिए. सो साइकेट्रिस्ट सर्टिफिकेट वो वन टाइम में ही जो है आपको इवेल्युएट करते हैं, काउंसलिंग करेंगे, कंसल्टेशन लेंगे, और उसके बाद असेस करने के बाद आपको फिट कर देंगे दैट यू हैव मेड योर डिसीजन एंड यू आर डूइंग नॉट कंफर्टेबल इन दिस बेसिकली बायोलॉजिकल सेक्स, एंड सो यू कैन चेंज टू अदर वन. सो आपको साइकेट्रिस्ट का या का अप्रूवल डेफिनेटली, जीआईडी सर्टिफिकेट उसको बोला जाता है, सो वो लेना पड़ेगा. कॉस्ट के लिए आपको पिक्चर्स सेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कॉस्ट बता देंगे मनीष कुमार. सो राहुल कामले जो है स्कार दिखता ही नहीं है तो मैं उसको वीडियो में क्या बनाऊं. सो वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन करते हैं, दिखाते हैं कि कितना स्कार है, सो आप वो देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा. यस आपको साइकेट्रिस्ट का नंबर भी दे देंगे हम. सो आप जो है व्हाट्सएप करिए इन नंबर पे और आपको सब हम बता देंगे. यहाँ पे मैं देखिए कॉस्ट नहीं बताने आया है यहाँ पे. सो कॉस्ट के लिए आपको अपनी डिटेल सेंड करनी पड़ेगी तभी पता चलेगा. नहीं गायनों के लिए नहीं कोई सर्टिफिकेट लगता है. सो बेसिकली दिस इज ए रीअसाइनमेंट सर्जरी, सो इसके लिए लगता है. सो बेसिकली आप जेंडर चेंज कर रहे हो, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल, इसके लिए बेसिकली साइकेट्रिक इवैल्यूएशन लगता है. सेम डे डिस्चार्ज करेंगे, आपको रुकने की जरूरत नहीं है. नहीं डायरेक्ट क्लिनिक में आएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी और टाइमिंग नहीं मिलेगा. आपको सब पहले टेस्ट और बुकिंग और सब फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आइए. ऐसे डायरेक्ट आएंगे तो मेरे यहाँ पे सर्जरी नहीं हो पाएगी. सो थैंक यू नेहा, एंड आपको जो है आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे स्टेप वाइज करना है बेसिकली. सो ये कोई ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, इसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स की जो है डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, अगर डिपेंडिंग कि आप जो है किस लेवल तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहते हैं. यस एक दिन में सर्जरी हो जाती है. सो देखिए सर्जरी के लिए आप एक दिन में तभी होगी जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे, हमें जो है कंप्लीटली आप सब कुछ टेस्ट बाकी सब फॉर्मेलिटीज पहले करके रखेंगे. सो आपकी टाइम पे सर्जरी होगी और टाइम पे आपको डिस्चार्ज किया जाएगा. सो आप जो है ऐसे सब कुछ प्री प्लान करेंगे, सो एवरीथिंग विल गो स्मूथ. Consultation is free, online consultation, physical consultation is free of cost. So, जिसको भी मेरे से consultation लेनी है, online consultation लेनी है, so वो ले सकता है, आके मुझे मिल सकता है, and उसका भी हम charges नहीं लेते हैं. I am very good.
सो अनदर 5 मिनट्स एंड विल एंड दिस लाइव सेशन एंड सर्जरी के बाद जो है 3rd डे पे हम ड्रेसिंग के रिमूवल के लिए, देन 2 वीक्स पे, देन 1 मंथ और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, इस तरह का फॉलोअप स्केड्यूल रहता है। और बेसिकली जब भी, और जो दू आउट ऑफ स्टेट के हैं एंड वो बेसिकली आप पिक्चर्स रेगुलरली हमें अपडेट करें। सो जिसकी भी सर्जरी हो चुकी है या होने वाली है, मेरे से कराए, किसी से भी कराए, सो आप रेगुलरली हमें कांटेक्ट में रहिए, पिक्चर सेंड करते रहिए, फॉलोअप देते रहिए, हमें असेसमेंट के लिए हमें हेल्प होगी, और कोई और एडिशनल ट्रीटमेंट लगनी है तो हम तभी बताएंगे। ड्रेसिंग आप खुद भी निकाल सकते हो 3 डेज के बाद। इंश्योरेंस क्यों नहीं लगता है और आपके पास टाटा इंश्योरेंस है? तो देखिए, जो इंश्योरेंस या मेडिक्लेम या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ESIS है, सो या कोई भी हेल्थ कार्ड है जो गवर्नमेंट की है, सो वो कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए नहीं बने हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी इज ए लग्जरी बेसिकली। सो ये आपके लिए कोई डे टू डे एक्टिविटीज़ में या कोई इमरजेंसी नहीं है, या कोई ट्रॉमा नहीं है, या कोई कैंसर नहीं है। सो ये बेसिकली नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है बेसिकली। सो ये इन इंश्योरेंस में नहीं आती है। सो कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी किसी भी इंश्योरेंस में नहीं आती, चाहे वो टाटा का है, चाहे और कोई कंपनी का है। सो कंपनी पे मैटर नहीं करता है एंड देयर आर नो चांसेस। देखिए, टेस्ट के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, सो आप जाके देखिए। कंप्रेशन गारमेंट पे वीडियो बना दिया, वो जाके देखिए। सब के मैंने वीडियोस बना दिए हैं एंड ऑलरेडी उनके अंदर प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको क्यों टेस्ट करने, कहाँ से क्या कॉस्ट आएगी, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। सो आपको ज़रूर देखना है। देखिए, आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि सब कुछ जो है आपको पहले पता होना चाहिए। सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी, तब उसके करना बहुत ज़रूरी है। पता करेंगे तो ही आपको सब कुछ क्लियर होगा। सो टेस्ट क्या है वो ऑलरेडी मैंने, डिज़ायर प्लास्टिक सर्जरी न्यू चैनल है, सो आप जाके वहाँ पे देखेंगे, और उसी पे हम न्यू वीडियोस डाल रहे हैं, तो आप उस पे सब वीडियोस मिल जाएंगे, और आप देखने के बाद आपको नॉलेज गेन होगी। कब सर्जरी हुई थी और पिक्चर सेंड करिए, बिफोर के और करंट फोटो। आप इन नंबर पे जो आपकी सिटी है, सो नज़दीक है, सो वो उन सिटीज में आप सेंड कर सकते हो। सो काफ़ी लोगों को जो लगता है बेसिकली ग्लैंड भी लगता है, तो मैं तो कम्प्लीटली निकाल देता हूँ। सी, बॉटम सर्जरी जेनिटल दिखाना, इट वो जो है ये मेल की सर्जरी दिखाना इज वेरी वेरी बिकमिंग वेरी टफ। सो जेनिटल सर्जरी नहीं दिखा सकते हैं, और कोई भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। सो वो बेसिकली इस पे चैनल पे ही स्ट्राइक लग जाती है। सो बॉटम सर्जरी के वीडियोस आपको अब नहीं मिल पाएंगे, हम नहीं अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप आके कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, तो हम आपको सब कुछ बता देंगे। ब्लड टेस्ट कौन से है, कितने दिन पहले करने हैं, सो आपको वो वीडियो देखिए, आपको सब इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी एंड ऑलरेडी मैंने उसमें डिटेल में सब कुछ बता दिया है। दोबारा गाने को मिस्टेक नहीं होता है एंड एक बार निकालने के बाद कंप्लीट ग्लैंड निकाल देते हैं, सो कुछ भी नहीं रहता है वहां पे, तो ग्रो नहीं करेगा। यस, देखिए आज भी हमने लाइव सर्जरी दिखाई है, आप उसको देखिए, दोनों सर्जरी को देखिए। हमने उसमें लाइपोसक्शन बहुत ही मिनिमल किया था एंड उसमें मेल ग्लैंड था, तो हमने ग्लैंड रिमूव किया है एंड आपका फैट परसेंटेज कम है, सो ऑब्वियसली आपके पास ग्लैंड ज़्यादा होगी, तो
तो हम इसमें ग्लैंड रिमूवल कर सकते हैं। मेरे पैर आने से पहले ब्लड टेस्ट कौन से करने हैं? ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ब्लड टेस्ट करनी पड़ेगी। टाइम आपको कॉज जाननी होगी, उसके लिए पिक्चर्स यहाँ आके मिलिए, और उसके बाद आपको बुकिंग करनी पड़ेगी बाय डूइंग सम एडवांस पेमेंट। एंड उसके बाद आपको डेट और टाइम दिया जाएगा, उस डेट और टाइम पे आपको प्री सर्जरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आना होगा। जो भी सर्जरी कराने के लिए जाए, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि आपकी सर्जरी से पहले, सर्जरी के टाइम, सर्जरी के बाद आपको जो है क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे आपकी सर्जरी होगी, कैसे आपकी रिकवरी होगी, वो सब आपको क्लियरली पता होना जरूरी है, चाहे आप किसी से भी सर्जरी करा रहे हो। कोई भी चीज़ का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो और आपके सब डाउट्स पहले से ही क्लियर हो। नहीं, अगर वन साइडेड है तो आपको हम वन साइडेड सर्जरी करेंगे, दोनों साइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वन साइडेड गायनेकोमेस्टिया को यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। कॉस्ट के लिए, लाइपोमा की कॉस्ट के लिए प्लीज आप व्हाट्सएप करिए, ये नंबर ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, श्योर, यू आर मोस्ट वेलकम सूरज। महेश चौहान, आपके 50 लाइपोमा है, तो आपको एक बार आप कंसल्टेशन के लिए आइए या फिर आपने पिक्चर सेंड कर दीजिए। कंप्लीट पहले डिटेल लीजिए कि लाइपोमा क्या है, कैसे सर्जरी होगी और उसका कॉस्ट और बाकी सब चीज़ें आप पता करिए, उसके बाद आप प्लान करिए सर्जरी का। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कर लीजिए। वो इस तरीके से की जाती है कि दोनों सिमिलर दिखाई दिए। एक चेस्ट में प्रॉब्लम है तो एक ही चेस्ट करेंगे, और ऐसा है कि एसिमेट्रिकल है, एक में ज्यादा है एक में कम है, तो तब हमें दोनों साइड का सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक में है तो फिर एक ही चेस्ट का करेंगे और वो सिमेट्रिकली दिखाई देता है। यस, देर इज नो प्रॉब्लम इन सर्जरी एक्सेप्ट सम टेम्परेरी साइड इफेक्ट आर देयर एंड दे आर नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट और रिस्क एसोसिएट विद द सर्जरी। एटीन ईयर में सर्जरी कर देते हैं, सो 18 ईयर्स इज आफ्टर 17 ईयर्स यू कैन गेट योर सर्जरी डन। कॉस्ट के लिए आपको पिक्चर सेंड करनी पड़ेगी। हीलिंग ड्यूरेशन 2-3 डेज डाउन टाइम रहता है, 1 वीक मेनली आपको प्रिकॉशंस लेनी होती है, कंप्रेशंस, गारमेंट एंड मेडिकेशंस। एंड उसके बाद जो है मोस्टली जो है डिफिकल्ट पीरियड इज द फर्स्ट वीक। गायनेकोमेस्टिया में पेन क्यों होता है? देखिए क्या होता है, जब इनिशियली जो हार्मोन है इस्ट्रोजन है, बेसिकली क्या करता है ये प्रोलिफ्रेशन करता है। इसका जो है बेसिकली डक्टल एपिथीलियल हाइपरप्लेसिया करता है एंड डक्टल वेस्कुलरिटी इंक्रीज करता है। इनिशियली फर्स्ट 4-5 मंथ्स में पेन हो सकता है, ये यूजली सेटल हो जाता है आफ्टर 4-5 मंथ्स, या फिर किसी किसी को पेन परसिस्ट भी करता है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज में होता है। क्या रहता है ये, इट इज़ ए इन्फ्लेमेटरी स्टेट, वहाँ पे बेसिकली एपिथीलियल हाइपरप्लेसिया होता है एंड
वहाँ पे वेस्कुलरिटी इंक्रीज होती है। सो बेसिकली प्रोलिफ्रेशन का मतलब है कि उसका ग्रोथ ऐसे बढ़ता चला जाता है। सो ग्लैंड जो है ऐसे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और वो काफ़ी सेंसिटिव भी रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है। सो इन्फ्लेमेशन में पेन टेंडरनेस होना होता है बेसिकली। सो गायनेकोमेस्टिया इज ए इन्फ्लेमेटरी स्टेट, इसकी वजह से जो है ये पेन होता है। यस, साइड इफेक्ट्स आर रेयर। स्केयर्ड ऑफ सर्जरी, देखिए डर तो हर किसी को लगता है, और डिप्रेस है तो आपको बेसिकली सर्जरी से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। नहीं, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्या होता है कि जब आपका वेल डेवलप गायनेकोमेस्टिया हो गया, उसके बाद आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपके हार्मोन लेवल पे और बेसिकली आपके वेट पे। इस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन फॉर ब्रेस्ट ग्रोथ, और वो कहाँ पे रहता है, बेसिकली वो फैट के अंदर रहता है। जहाँ पर भी इस्ट्रोजन रहेगा वो फैट को बेसिकली एक्यूमुलेट करेगा और वहाँ पे इकट्ठा करना कर देगा। सो जैसे जैसे इस्ट्रोजन फैट को इकट्ठा करेगा, फैट के अंदर बेसिकली एंजाइम होता है एरोमेटेज, जो कि टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्राडियोल में। सो एस्ट्राडियोल जो है हमारे जो है गायनेकोमेस्टिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फैट इज द मेन कल्प्रिट, जहाँ फैट बढ़ेगा वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा, जहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा वो फैट को और बढ़ाएगा, तो ये साइकिल चलती चली जाएगी। और जहाँ से एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो बेसिकली ब्रेस्ट का ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा। सो आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज क्या होगा, ये डिपेंड करता है आपकी वेट के ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता फैजल खान। कॉस्ट के लिए ऋषिकेश, और नो, देयर इज नो चांसेस ऑफ डेथ। बजट के लिए, और आप पिक्चर सेंड कर दिए महेश चौहान, तो जिसको भी कॉस्ट जानी है, ऋषिकेश, महेश एंड ओके, आप पिक्चर सेंड कर दिए। चंदन सिंह, नहीं, स्किन जो है रिट्रैक्ट हो जाती है, लटकी नहीं रहती है। आफ्टर सर्जरी देर इज नो प्रॉब्लम, कोई भी डिफेंस, कोई भी नेवी, पुलिस, आर्मी, किसी के अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी नहीं कराओगे तो डेफिनेटली आपको पॉइंट आउट किया जाएगा, आपको करेक्शन के लिए भेजा जाएगा। तो ये नंबर हमने यहां पे मेंशन किए हैं। नहीं, आप जितना वेट करेंगे आदित्य सिंगला सो बेटर रहेगा। आपने 123 से 90 केजी प्लान किया है, और 90 केजी पे हम डेफिनेटली सर्जरी कर देंगे। तो वो बेसिकली करूँगा तब, सर्जरी करने के बाद नहीं बढ़ेगा। सो आपको रिप्लाई आ जाएगा। चंदन सिंह, सो पिक में पेन का तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको हम जो है असेस कर पाएंगे कि कौन सा ग्रेड और कितना सिवियर है। अपॉइंटमेंट कौन से मंथ का आपको लेना है, सो ये ऑलरेडी नंबर हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सो आपको इन नंबर्स पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
सब कोई भी माइनर या मेजर गायनेकोमास्टिया नहीं होता है। सो माइनर अगर आप बोल रहे हैं, सो ग्रेड वन टू ग्रेड फोर, माइनर टू मेजर रहता है। सो बेसिकली उसी को हम बोल सकते हैं। सो टाइप वन टू टाइप फोर, ग्रेड वन टू ग्रेड फोर, जो कि बेसिकली सीवियरिटी के हिसाब से बनाया हुआ है। पेन जो है मेनली 1 वीक के लिए रहता है, उसके लिए हम पेन किलर्स देते हैं जो आपके पेन को कंट्रोल करता है। डेथ नहीं होगी, और रिस्क तो बेसिकली ऑलरेडी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या रिस्क हैं। सो वो थियोरिटिकल क्या क्या रिस्क हैं वो भी मैंने बताया है, एंड उनको बेसिकली हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे हम प्रॉपरली सर्जरी करते हैं ताकि कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस या मेजर रिस्क नहीं आए। फिमोसिस का सर्जरी हम करते हैं डेफिनेटली। बाइक आप 2 डेज के बाद चला सकते हैं, 1 वीक में तो डेफिनेटली आप सब कुछ चला सकते हैं। कॉस्ट के लिए फैजल खान ये नंबर्स हैं, यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको कॉस्ट और सब कुछ हम डिटेल्स बता देंगे। यस, 1 वीक में सब कुछ, मेजोरिटी तो 2-3 डेज तक ही रहता है। 2-3 डेज के बाद जो है पेन ऑलरेडी कम होना स्टार्ट कर देते हैं। सो आपको 2-3 डेज ही मेजर प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। एंड हाँ, मैंने बताया आपको स्केड्यूल मेरे के लिए ही नंबर पे ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिमोसिस का कॉस्ट आपको किस तरीके से कराना है, सो वो आपको कॉस्ट क्या एडिशनल करना है, स्टेपलर से करना है बेसिकली, या फिर सर्जिकल करना है, किस तरह का आपको फिमोसिस है, कुछ फ्रेनुलोप्लास्टी करनी है नहीं करनी है, सो वो आप एक बार कंसल्ट करिए, और या फिर फोन पे आपको डिटेल जानी है फिर हम आपको फोन पे बता देंगे। अस्थमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्जरी करने में, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ता है। एक्स्ट्रा जो इंजेक्शन्स हैं वो उस तरीके के देने होते हैं कि ताकि अस्थमा है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेहान खान के। अगर अब हाथ पड़ जाए, बेसिकली कितना हाथ है, क्या फोर्स है, अगर बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो नॉर्मली भी जो है बेसिकली इंजरी हो सकती है। सो किस तरह का हाथ पड़ रहा है नॉर्मली, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है 4-5 डेज के बाद। कमिंग मंडे से मैं आने वाला हूँ, मैंने ही बता दिया है आपको पुणे का स्केड्यूल। सो जिस भी सिटी का स्केड्यूल चाहिए, जिसको भी टाइमिंग पूछना है, सो ये नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड आई एम कमिंग ऑन मंडे, एंड और आप अपॉइंटमेंट और टाइमिंग लीजिए, एंड देन आप मुझसे आके मिल सकते हैं। सो हमारा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हमने सब वीडियोस, फोटोज, पोस्ट, IGTV सब कुछ हम डाल रहे हैं, सो आप वो भी फॉलो करते रहिए। सेकंड, हमारा जो न्यू चैनल है डिजायर प्लास्टिक सर्जरी चैनल, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ। सो ये चैनल का लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सो आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा न्यू कंटेंट पता चलेगा, एंड न्यू लाइव सर्जरीज सब हम यहाँ पर ही अपलोड कर रहे हैं। कॉस्ट आपको एट द मोस्ट मॉर्निंग तक सब डिटेल्स मिल जाएगी। स्टिचेस जो है 2 वीक्स के बाद निकालते हैं। यस, मैं जो है कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ आदित्य सिंगला। वेट रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली जो है, देखिए वेट रिड्यूस करेंगे अपीयरेंस वाइज जो है वो ज़्यादा विजिबल रहेगा। जो भी वेट रिड्यूस करता है, टमी फैट कम करता है, तो बेसिकली चेस्ट विजिबली ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। सेकेंड,
ज़्यादा वेट लॉस करेंगे, रैपिड वेट लॉस करेंगे तो स्किन लूजनिंग ज़्यादा रहेगी। सो इस तरह से आपको ओके चंदन सिंह, तो वन वीक में निकाल सकते हैं क्या स्टिचेस? यस, आप वन वीक में स्टिचेस नहीं निकाल सकते। यस नहीं, स्टिचेस जो है मिनिमम 2 वीक्स पे निकालना होता है। जो वो मेरी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी, बता देगी, और जब भी आप बुक करेंगे तो आपको एक डेट, टेंटेटिव डेट दी जाएगी, टाइमिंग दिया जाएगा, और बेसिकली वही मोस्टली फाइनल डेट रहेगी आपकी सर्जरी की। सो अनदर 5 मिनट्स, अनदर 2 मिनट्स, देन विल एंड दिस लाइव सेशन। सो आप हमारा न्यू चैनल देखिए, न्यू चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। सो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा न्यू कंटेंट और न्यू वीडियोस, लाइव सर्जरी सब कुछ वहाँ पर ही मिलेगा। एंड सो इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर फॉलो करिए। So another 40 second, then we'll end this live session. So I hope you have liked this session, and I have and whatever question, yes definitely stitches mark नहीं दिखते ये surgery को, इन surgeries में stitches के marks या scar का कोई भी problem नहीं होता है। 15 दिन के डेट पहले ही आपको, 15 डेज के पहले ही सब कुछ आप प्लान करेंगे। सो 15 डेज, ताकि आपको भी जो है लीव अप्लाई करनी है या किसी को भी अपना वर्क स्केड्यूल करना है वो कर सके। टू मंथ्स तक गारमेंट पहना होता है। नहीं, फिर उसके बाद जो है 3-4 डेज के बाद, बैंडेज रिमूवल के बाद आपको कोई भी ड्रेसिंग नहीं करनी होती है। सो टेस्ट के लिए आपको जिसको भी टेस्ट जानने हैं, सो ये चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट, कंप्रेशन गारमेंट और बाकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सो आप वो जरूर देखिए, समझिए, और फिर आप वो टेस्ट कहीं से भी करा सकते हैं, हमें रिपोर्ट सेंड कर दीजिए। आई थिंक आप लोगों ने वो चैनल नहीं देखा है, सो ऑलरेडी मैंने लिंक डाल दिया है, मैंने रिपीटेडली बताया भी है कि आप देखिए, वहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी है वो लाइक शेयर वगैरह जो भी है वो करिए, एंड तो आपको सब कुछ मिलता है। डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट भी चाहिए आपको, क्वालिटी रिजल्ट भी चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। साइड इफेक्ट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो दीज साइड इफेक्ट आर मोस्टली टेम्पररी, सो कोई परमानेंट रिस्क या कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट नहीं होता है। टू थ्री मंथ्स में एकदम नॉर्मल हो जाएगी। अभिषेक कुमार कॉस्ट के लिए ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स पे आपको सब डिटेल्स और सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड मेकिंग दिस सेशन वेरी लाइवली एंड क्वाइट
informative, these are no as such no documents are required. So these are numbers, so you can, if you have any other query, so please contact on this number. Thank you for joining. Namaskar, Jai Hind and good night.